गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर फ्रॉम जनरल नॉलेज बुक, चैप्टर नंबर 12, फेमस गार्डन्स। फेमस गार्डन, सो वी स्टार्ट चैप्टर 12। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। भारत एक बहुत सुंदर कंट्री है। देर आर मैनी अट्रैक्टिव पब्लिक गार्डन्स। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आकर्षित करने वाले गार्डन हैं। देर आर इन डिफरेंट स्टेट। वो अलग अलग स्टेट में स्थित हैं। वेन एवर यू गेट अ चांस। जब कभी भी आपको चांस मिलता है, यू मस्ट विजिट देम। आप उन सब में ज़रूर विजिट करना। सो वी स्टार्ट फ्रॉम अवर फर्स्ट फेमस गार्डन, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। दिस यूनिक गार्डन इज द क्रिएशन ऑफ मिस्टर नेकचंद। द होल गार्डन हैज़ बीन मेड एंटायरली ऑफ वेस्ट मटीरियल। इट इज़ सिचुएटेड नियर सुखना लेक। इट इज़ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ये बहुत यूनिक गार्डन है जो कि किसने बनाया है? नेकचंद ने, मिस्टर नेकचंद ने। जो पूरा गार्डन है वो किससे बनाया गया है? वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, किससे बनाया है? वेस्ट मटेरियल से। इट इज़ सिचुएटेड नियर सुखना लेक। ये सुखना लेक के पास है, चंडीगढ़ में सुखना लेक है, उसके पास है रॉक गार्डन। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन प्लेस है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्शन मिलता है क्योंकि इसको वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, तो वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस जगह पर जाने के लिए, विजिट करने के लिए। सो अवर सेकेंड फेमस गार्डन इज़ गुलाब बाग, जो कि है उदयपुर में। गुलाब बाग है उदयपुर में। इट इज़ एन आउटलैंडिश गार्डन सिचुएटेड इन रजन निवास पार्क। रोजेज ऑफ एवरी ह्यू एंड कलर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रू हेयर। You can go round the garden in a toy train arrival express. The Saraswati Bhagwan library is also situated here. क्या बताया गया है? ये outlandish garden है जो कि साजन निवास पार्क के पास है। ठीक है, पहाड़ सा बना हुआ है, किसी खुले एरिया में बना हुआ है जो कि साजन निवास पार्क के पास है। हर एक तरह के फूल, रोजेज, जो कि हर एक कलर के, हर एक तरह के, हर एक वैरायटी के टाइप्स के फ्लावर यहाँ पर ग्रो करते हैं, जिसे कि देखने के लिए गार्डन में जो लोग आते हैं वो टॉय ट्रेन में, टॉय ट्रेन अराइवल एक्सप्रेस में बैठकर विजिट करते हैं पूरा गार्डन और उन अलग अलग तरह के रोजेज़ को देखते हैं। और यहाँ पर एक सरस्वती भगवान लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है, गुलाब बाग उदयपुर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, सरस्वती भगवान लाइब्रेरी। और ये यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के रोजेस होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के, जिसको देखने के लिए लोग टॉय ट्रेन अराइवल एक्सप्रेस में बैठकर विजिट करते हैं। आगे है सहेलियों की बारी उदयपुर। सहेलियों की बारी कहाँ पे है? इट इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन सिचुएटेड नियर दी फतेह सागर लेक। ये ब्यूटीफुल गार्डन है जो कि फतेह सागर लेक के पास है, नियर है। द नेम ऑफ द गार्डन मीन्स द गार्डन ऑफ मेड। इस गार्डन का नेम कहाँ से पड़ा, मतलब क्या है? गार्डन ऑफ मेड। ठीक है, आगे है हैंगिंग गार्डन जो कि है मुंबई में। दिस गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ मलाबार हिल्स इन मुंबई। ये गार्डन कहाँ पर सिचुएट करता है? मालाबार हिल्स है मुंबई में, उसकी टॉप पर, मालाबार हिल्स की सबसे ऊंची जगह पर ये गार्डन है, हैंगिंग गार्डन, जो कि मुंबई में है। आगे है लाल बाग। लाल बाग है बेंगलुरु में। लाल बाग बेंगलुरु में है। द गार्डन वॉज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ मैसूर। ये गार्डन कहाँ पे, किसने बनाया था? मैसूर के रूलर ने, जो कि वहाँ पर राज करता था। रेड रोजेज ब्लूम हेयर इन एबंडेंस। रेड रोजेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिलते हैं। देयर इज़ अ फेमस फ्लावर क्लॉक ऑल्सो इन द गार्डन। यहाँ पर एक बहुत बड़ी फेमस फ्लावर क्लॉक है, फूलों की बनी हुई एक क्लॉक है जो कि इस गार्डन में बहुत फेमस है। विच इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, जो कि एक टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का काम करती है। आगे नंबर
सिक्स इज बोटैनिकल गार्डन कोलकाता। बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। बिसाइड अदर अट्रैक्शन देर इज एन 250 ईयर्स ओल्ड बनियन ट्री इन दिस बोटैनिकल गार्डन। दिस गार्डन इज वन ऑफ द ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता। बोटैनिकल गार्डन में एक बहुत पुराना 250 साल का एक बनियन ट्री है, पीपल का पेड़ है, जो कि इस बोटैनिकल गार्डन की बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है। ठीक है, और सभी गार्डन्स में तो आपने पढ़ा ही है, जो बोटैनिकल गार्डन है उसमें सबसे फेमस क्या है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है बनियन ट्री, जो कि 250 साल पुराना है। ये बहुत अट्रैक्ट करता है, जो कि टूरिस्ट आता है कोलकाता में उसको बहुत अट्रैक्ट करता है कि वो वहाँ पर जाकर विजिट करना पसंद करता है। अब लास्ट फेमस गार्डन इज मुगल गार्डन, जो कि है न्यू दिल्ली में। मुगल गार्डन वाज डिज़ाइन बाय एडविन लिट्यून्स। दिस ब्यूटिफुल गार्डन इज इन द प्रीमाइसिस ऑफ राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी इट इज़ ओपन फॉर जनरल पब्लिक व्यू। मुगल गार्डन का पर किसने डिज़ाइन किया है? एडविन लुटियांस। एडविन लुटियान ने मुगल गार्डन को डिज़ाइन किया है। ये जो ब्यूटीफुल गार्डन है ये राष्ट्रपति भवन के अंदर बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन की प्रमाइसिस में बना है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एवरी ईयर हर साल जो कि मंथ है फेब्रवरी मंथ, ये मुगल गार्डन को ओपन किया जाता है जनरल पब्लिक व्यू के लिए, ताकि आम लोग आकर उस गार्डन को देखें, उसकी ब्यूटी को देखें। ये मंथ कौन से मंथ में ओपन करते हैं? फेब्रवरी मंथ में। और ये कहाँ पर बना है? राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन के अंदर बना हुआ है। तो ये हमने आज हम फेमस गार्डन्स पढ़े हैं, रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है, गुलाब बाग उदयपुर, सहेलियों की बारी उदयपुर, हैंगिंग गार्डन मुंबई, लाल बाग बेंगलुरु, बोटैनिकल गार्डन कोलकाता, मुगल गार्डन न्यू दिल्ली। तो ये हमने 7 फेमस गार्डन्स के नेम पढ़े हैं। अगर आपको कभी भी इधर विजिट करने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।